नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारे किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। बिहार में भाजपा की राजनीति में अहम बदलाव। उपचुनाव के दौरान पार्टी ने दे दिए भविष्य के संकेत। बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी ने एक बड़े बदलाव के संकेत दिए। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से नाता टूटने के बाद भाजपा स्थानीय नेतृत्व में बदलाव कर सकती है। इस बदलाव में पार्टी कुछ नया करने के बजाय पुराने और अजमाए चेहरे को ही फिर से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव के लिए मंगलवार का दिन अहम। सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए पटना से दिल्ली रवाना, बीजेपी पर भी सादा निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव के लिए मंगलवार दिन काफी अहम है। तेजस्वी यादव को मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट में पेशी को लेकर डिप्टी सीएम सोमवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आईएमए निलंबन पर उठाए सवाल। किस हैसियत से प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर को निलंबित कर सकते हैं तेजस्वी। बीते दिनों एनएमसीएच के अधीक्षक के निलंबन मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार चैप्टर ने सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के एक प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर को निलंबित करने के अधिकार पर सवाल उठाया। आईएमए ने कहा कि जिसकी नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री था, उसे स्वास्थ्य मंत्री कैसे हटा सकते हैं। आईएमए बिहार चैप्टर ने अब कानूनी तौर पर निलंबन को चुनौती देने का निर्णय लिया है। पत्रकारों को हर महीने 6,000 की पेंशन दे रही बिहार सरकार, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन। बिहार सरकार ने साल 2021 में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सेवामुक्त हो चुके पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए का पेंशन प्रदान किया गया है। बिहार सरकार के वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। बिहार के 80 लाख किसानों को दीपावली गिफ्ट, पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 खाते में ट्रांसफर। दीपावली के पहले बिहार के किसानों को त्योहार का तोहफा मिल गया है। पीएम किसान दीपावली के पहले बिहार के किसानों को त्योहार का तोहफा मिल गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। बिहार के 8 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। बिहार का हैंगिंग गार्डन पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। पहाड़ों के बीच बना राजगीर स्काई ग्लास वॉक। बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्काई ग्लास वॉक ब्रिज को पब्लिक के घूमने के लिए ब्रिज का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह प्रोजेक्ट राजगीर ग्लास वॉक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ हर दिन करीब 100 से अधिक विदेशी यात्रा भी घूमने आते हैं। 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित यह स्काई ग्लास वॉक बेहद शानदार है और पर्यटकों के मन को बहुत लुभाता है। सिवान में निकला 15 फीट का अजगर। ग्रामीण दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। सिवान में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीब नगर का है, जहाँ सोमवार की शाम अचानक 15 फीट लंबा अजगर निकल गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बता दें कि अजगर को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं लोगों ने जब इसकी जानकारी वन विभाग को दी तो आनन फानन में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय ग्रामीण की मदद से काफी मशक्कत के बाद अजगर को वहां से लेकर अपने साथ ले गई। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 20 अक्टूबर को मिलेगा इस माह का वेतन। दीपावली छठ को लेकर हुआ निर्णय। बिहार में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस माह का वेतन 20 अक्टूबर को मिल जाएगा। दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए निर्णय लिया गया है। धनतेरस पर होगी धन की वर्षा। महंगाई के बाद भी पटना में आभूषण दुकानों में बड़ी रौनक। बुकिंग शुरू। बिहार में गंगा उफान पर हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। मटर परवल की खेती भी चपेट। बिहार में फिर एक बार बाढ़ का कहर जारी है। बिहार की राजधानी पटना, भोजपुर, बक्सर और सारण समेत अन्य जिलों में बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच गया है। सैकड़ों गांवों में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही हजारों एकड़ में लगी मटर, तेलहन और परवल के फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी लोजपा। बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गलत नीतियों से बिहार और बिहारी का बहुत नुकसान हुआ है। परिणाम स्वरूप बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है।
भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से आया चौंकाने वाला फैसला, बीजेपी ने कई नेताओं को दिया झटका। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की जारी सूची में नए नेतृत्व के बजाय पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया है। औली छठ पर घर आने वाले ध्यान दे, 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलेगी लंबी वेटिंग से मिलेगा निजात, देखे लिस्ट। दर्जनों आईएएस आईपीएस का दोस्त पटना से गिरफ्तार, हाई कोर्ट का जज बनकर डीजीपी को किया कॉल, ईओयू ने किया अरेस्ट। सिवान में पशु लदे ट्रक को लोगों ने पकड़ा, तस्करी की आशंका, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। सिवान के मैरा थाना क्षेत्र में मझौती चौक के समीप सोमवार को ढेर संख्या स्थानीय लोगों ने पशुओं से लदे एक ट्रक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले चालक और उप चालक दोनों पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लोगों का आदेश है कि दोनों पशु तस्कर पशुओं की तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे।